आपण पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल। नमस्कार, मी मानसी धामणसकर, आपण पाहत आहात भारतीय जनमत न्यूज। नजर टाकूया त्याच्या ठळक घडामोडींवर। देशभरात घडणाऱ्या महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांवरून सध्या वातावरण तापलं आहे। कडक कायद्यांच्या अंमलबजावणीची मागणी केली जात आहे। या पार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जळगावमध्ये बोलताना भाष्य केलं आहे। महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी कठोर कायदा करण्यात आल्याचंही मोदींनी अधोरेखित केलं आहे। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर FIR नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे EFIR दर्ज करा सकती है। अपन पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल।